पार्ट 11 वीडियो है, और पार्ट 11 वीडियो में प्रश्नावली 3.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 11। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों का व्युत्क्रम, यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण यानी कि प्रारंभिक संक्रिया से हमें इसके प्रयोग द्वारा निकालना है, इसका व्युत्क्रम इनवर्स निकालना है। चलिए देखते हैं, पिछले वीडियो में मैंने 10 नंबर तक बता दिया था। आगे देखिए, माना ए बराबर में इसे मान लेता हूँ मैं 2 - 6 1 - 2। मैं सारे क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बच्चों को ये दिक्कत होती है क्वेश्चन बनाने में, इसलिए मुझे सारा बताना पड़ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ए बराबर में आइए, ए का वैल्यू LHS में रखेंगे 2 - 6 1 - 2, और इधर आई का वैल्यू 1001, यही ना है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 1 लाना होगा ना, R1 के जगह पर R1 - R2 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें से इसको घटा के 1, इसमें से इसको घटाएंगे -4, फिर 1 - 2, R2 वाला एलिमेंट वैसे ही रहेगा। चलिए इसमें से इसको घटाएंगे 1, इसमें से इसको घटाएंगे -1, और फिर आपका 0 1 ऐसे ही रहेगा। चलिए देखिए यहाँ 0 लाना है, R2 के प्लेस पर R2 - R1, चलिए घटाते हैं 1 - 4, इसमें से इसको घटाएंगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो +2, देख लीजिए -2 में से घटाएंगे -4, तो -, -+ हो जाएगा, तो -2 और +4 तो +2 ही ना आएगा। चलिए इधर भी आप देखो, R1 तो वैसे ही रहेगा 1 - 1, R2 में से R1 को घटाना है, R2 में से R1 को घटाना है। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या लाना है, 1 ना, 1 लाना है, लेकिन उससे पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ 0 आसानी से ला सकते हैं, अगर या पहले 1 भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले 1 ही ले आओ। R2 के जगह पर मैं यहाँ पे 1/2 R2 कर देता हूँ, और नहीं तो क्या करता, इसमें 2 से गुणा करके इसको जोड़ लेता, और फिर इसको इसके बारे में सोचता, कोई दिक्कत नहीं है उससे, हमें सबको सही करना है बस, कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले इसी को सही करता हूँ हर क्वेश्चन की तरह। चलिए 1 - 4, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, 0 से इंटू होगा तो 0 ही, और यहाँ 1 आ गया, और इधर देखो 1 - 1, यहाँ देखो 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 यहाँ पर आ जाएगा 1। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमें लाना है क्या, 0 ना, तो R1 के जगह पर R1 + 4R2, इसमें 4 से गुणा करके इसमें जोड़ लेंगे तो हो जाएगा वहाँ 0। चलिए इसमें 4 से गुणा करके इसमें जोड़ोगे तो वही आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर आ गया। इधर वाला थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, -1/2 1, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे संक्रिया करनी है हमें, R1 में 4R2, इसमें 4 से गुना करोगे और इसमें जोड़ लोगे, यानी कि 1 + 4 - -1/2 कट जाएगा, 1 में से 2 घटाएंगे -1। चलिए उसी तरह से R1 यानी -1 + 4 - R2, तो -1 + 4 यानी +3 आ जाएगा, तो ये A इधर आके इनवर्स ना हो जाता है, A इनवर्स बराबर में हो जाएगा -1 - 3 - 1/2 1, यही ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन